आगे हम शुरू करते हैं कंपनसेटर्स, ठीक है। तो कंपनसेटर्स में लिखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लीड कंपनसेटर के बारे में। तो आप लिखिएगा लीड कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर, तो इसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं यहां पर मैं। आर वन, दिस इज आर टू, V2S, ये V1S, लैप्लास डोमेन में सारे लिख रहा हूं, तो इसको लिख देता हूं मैं 1/C। मतलब ये स्टैंडर्ड लीड कंपनसेटर का ये डायग्राम है। खुद भी अपने आप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसका डायग्राम, तो लीड कंपनसेटर आपको दिमाग में रखना। सीधा मैंने इसको लैप्लास डोमेन में रिप्रेजेंट किया, यानी ये C था, तो इसको 1/CS लिखा। अब सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यानी V2S डिवाइडेड बाय V1S मुझे कैलकुलेट करना है। देखिएगा, हाँ, यानी सीधा ही हम लगा देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देता हूँ यहाँ पर। यानी V2S इक्वल टू R2 इनटू टोटल वोल्टेज क्या आपका, और V1S यानी इनपुट आपका V1S, ठीक है, यानी इनपुट साइड में या आउटपुट हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई R2 प्लस इसका इक्विवेलेंट, यानी ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, यानी R1 इंटू 1/CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1/CS। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये हो गया V2S डिवाइडेड बाई V1S बराबर R2 डिवाइडेड बाई, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, यानी R2 प्लस ये हो गया R1 और ये हो गया R1CS प्लस 1। CS से CS मैंने क्या कर दिया, एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया। आगे यानी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम लो तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एलसीएम लो तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर R1 R2 CS प्लस R2 प्लस R1 और ये चला जाएगा ऊपर, यानी R1 CS प्लस R। कुछ भी नहीं, सिंपली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको केवल मैं, यानी V2S डिवाइडेड बाय V1S बराबर इस। अब देखिएगा मैं और इसको और जनरल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इस बार, इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, इस वाली टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी हाँ R1 प्लस R2 को मैं कंप्लीट में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। यानी क्या बन गया है, V2S डिवाइडेड बाई V1S बराबर, ऊपर क्या है, ऊपर है R2 इंटू 1 प्लस R1CS डिवाइडेड बाय, नीचे ये कॉमन लिया मैंने, यानी R1 प्लस R2 को मैंने कॉमन लिया है, तो क्या इन दोनों के लिए तो बन गया 1 प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1CS, मतलब इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये देखिए R1 R2 CS और डिवाइड नहीं आ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ से इसको स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ T से, R1 इंटू C को, यानी T बराबर हो गया R1 इंटू C, यानी टाइम कॉन्स्टेंट की तरह T,
टी हो गया, क्या हो गया आपका आर वन इंटू सी, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया मैंने टी बराबर आर वन इंटू सी, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ अल्फा, अल्फा को किससे, इसको इस वाली टर्म को, यानी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और ये अल्फा पक्का क्या होगा, ये अल्फा तो पक्का क्या होगा, लेस देन वन होगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक, तो इसलिए इसको अटेन्यूएशन गेन की तरह भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी ये पुट किया तो मैंने क्या बन गया ये, यानी वी टू एस डिवाइडेड बाई वी वन एस बराबर क्या बन गया ना, ये देखिएगा ये कंप्लीट क्या बन गया आपका, कंप्लीट बन गया अल्फा, ये क्या बन गया टू वन प्लस टी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा टी एस, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये स्टैंडर्ड इसके लिए क्या आ गया आपके लिए, ट्रांसफर फंक्शन की तरह आ गया है, ठीक है, यानी ये स्टैंडर्ड आपको ट्रांसफर फंक्शन दिमाग में रखना किसके लिए, ठीक है, लीड कंपनसेटर के लिए, यानी अल्फा इंटू वन प्लस टी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा टी एस, ठीक है, इसके लिए पोल जीरो डायग्राम भी हम बना लेते हैं, ठीक, इसके लिए अगर मैं पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ, देखिएगा पोल जीरो डायग्राम, तो यहां से देखिएगा पोल कहां पर आ रहा है, इसको अगर मैं इक्वेट करता हूं तो यहां से एस की वैल्यू, हाँ जीरो और पोल निकाल लेता हूं जीरो, तो जीरो तो कहां पर जा रहा है, ये रहा, यानी वन प्लस टी एस इज इक्वल टू जीरो किया, तो यहां से क्या मिला मुझे एस बराबर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, और देन पोल, पोल यहां से यानी वन प्लस अल्फा टी एस इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां से क्या मिला एस बराबर क्या मिला, यहां से एस बराबर क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा टी, अल्फा टी, ठीक है, समझ में आया कि क्या है, अब देखिएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसमें जीरो कहां होगा पोल कहां होगा, देखिएगा ये दोनों तो क्या है, दोनों के अंदर ये टर्म तो सेम है, और अल्फा मैं बता चुका हूं कि लेस देन क्या है वन है, जब ये लेस देन वन अल्फा की वैल्यू डालूंगा, ठीक है, लेस देन अल्फा की वैल्यू डालूंगा, तो यहां पर देखिए कि जीरो पास में आएगा ओरिजिन के कि पोल पास में आएगा, अगर वैल्यू डाल के देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपके लिए, यहां पर आपका जीरो पास में आएगा और पोल आपका यहां पर होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन बाई टी, और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन अपॉन अल्फा टी, ठीक है, यानी वैल्यू डाल के आप चेक करके देख सकते हैं, समझ में आया, तो इस तरीके से ये इसके लिए क्या बन चुका आपका पोल जीरो डायग्राम, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइएगा कि पोल जीरो डायग्राम लीड कंपनसेटर का क्या है, कुछ ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, तो ध्यान में रखना है हाँ कि पोल जीरो डायग्राम के अंदर क्या है कि जीरो ओरिजिन के क्या है पास में है, जीरो ओरिजिन के क्या है पास में है, तो इसको भाई जो ओरिजिन के पास में होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लीड कंपनसेटर क्या करता है, इट एड्स ए जीरो या ए डोमिनेंट जीरो इन सिस्टम, यानी कोई ऐसा, ठीक है, जो कि एक डोमिनेंट जीरो सिस्टम में ऐड कर रहा है, तो वो कंपनसेटर्स के रूप में उसको क्या बोला जाता है लीड कंपनसेटर बोला जाता है, कंपनसेटर की टर्म्स में उसको क्या बोला जाता है लीड कंपनसेटर बोला जाता है, और कंट्रोलर की टर्म्स में क्या बोला जाता है पी प्लस डी कंट्रोलर बोला जाता है, ठीक है, यानी जो सिस्टम के अंदर डोमिनेंट अगर जो जीरो ऐड कर रहा है वो कंपनसेटर की टर्म में लीड कंपनसेटर, और कंट्रोलर्स की टर्म में वो बोला जाएगा पी प्लस डी कंट्रोलर, अगर पी प्लस डी कंट्रोलर का अगर आप बात करेंगे देखेंगे तो उसका भी अगर पोल जीरो डायग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, तो ओरिजिन के पास में कौन रहता है वहां पर, अगर वहां पर, क्योंकि पी प्लस डी से हम बात बता भी सकते हैं, ठीक है, पी प्लस डी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था, पिछले वीडियो के अंदर बात की थी हमने, ठीक है, पिछले वीडियो जो हमने बात की है ना पिछले वीडियोज में, ठीक है, तो पिछले वीडियोज के अंदर उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है, तो वहां पर उसका अगर हमने पता किया था तो क्या आया था P प्लस डी के लिए यह आया था, अगर आपको ध्यान में आता, ठीक है, कि KP प्लस TDS, और यहां से निकाला था तो यहां से S बराबर क्या आया था, यहां से ये जीरो था, ठीक है, तो ये इसको इक्वल टू अगर मैं जीरो करके निकालना चाहूँ तो यहां से S की वैल्यू मुझे मिली थी KP डिवाइडेड बाई क्या मिली थी TD मिली थी,
यानी उसके लिए पोल जीरो डायग्राम की अगर बात की थी तो इस तरीके से यहाँ पर था, ठीक है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना, लीड कंपनसेटर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये सीधा सा ये दिमाग में रखना है, ट्रांसफर फंक्शन आपको याद रखना है, इसके अंदर टी क्या है, इसकी वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एग्जामिनर पूछता है इन पर, ठीक है। उसके बाद में पोल जीरो डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये पी प्लस डी कंट्रोलर की तरह हम बोल सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जैसे पी प्लस डी भी क्या डाल रहा था, एक जीरो डाल रहा था, ऐसे इसको बोलेंगे ये भी एक डोमिनेंट जीरो डाल रहा, समझ में आया, ठीक। आगे हम बात करते हैं लेग कंपनसेटर के बारे में, ठीक है। तो लिखिएगा लेग कंपनसेटर, लेग कंपनसेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हुई डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये है V1S, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली आपको दिमाग में इस तरीके से डायग्राम रखना, ये किसका डायग्राम है यहाँ पर, लेग कंपनसेटर के लिए, किसके लिए ये यहाँ पर, लेग कंपनसेटर के लिए, ठीक है। तो सेम इसके तरीके इसको भी हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे उसी तरीके से। तो देखिएगा सबसे पहले, हाँ, डायग्राम भी आपको दिमाग में रखना, क्योंकि डायग्राम भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा V2S divided by V1S बराबर है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिख रहा हूं R2, हाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने R2 plus 1 by CS, ठीक है, इंटू जो हम यहां पर V1 करते थे वो मैं पहले इधर ला चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर अब करने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय R1 plus R2 plus 1 by CS, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा V2S डिवाइडेड बाय V1S बराबर ऊपर क्या बन गया R2CS प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया R1CS प्लस R2CS प्लस 1, ठीक। हाँ, तो ये बन गया। अब देखिए वहां पर आपको दिख ही रहा वो तो कैंसिल हो गया, कौन सी चीज CS से, तो CS क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये यहाँ आर टू ये आर वन है, ठीक है। अब देखिए इसको और मैं जनरल फॉर्मेट में इसको बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हाँ ऊपर तो आर टू सी एस प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे क्या कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं इसके अंदर, इन दोनों के अंदर मैं कॉमन ले लेता हूं आर टू सी एस को, इन दोनों के अंदर से, यानी R टू सी एस कॉमन में ले हूं, तो यहां से देखिए यहां पर तो वन इसका और ये क्या आ जाएगा R1 CS डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा R2 CS और ये प्लस वन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा यहां से CS क्या हो रहा है, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया इज इक्वल टू, इसको और मैं जनरल फॉर्मेट यानी वन प्लस R2 CS divided by, हाँ ये R2 CS और यहां पर आ गया R2 plus R1, यानी R1 plus R2 divided by क्या R2 plus 1, ठीक है। इस तरीके से अब इसको मैं यहां पर देखिएगा, ये है मेरा V2S divided by V1S, देखिए यहां इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी से, किसको आर टू इंटू सी को, आर टू इंटू सी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टी से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बीटा से, बीटा से किसको आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर टू,
और बीटा आपको दिख ही रहा पक्का क्या होगा ग्रेटर देन वन, जैसे पिछले में अल्फा था लेस देन वन था, यहाँ पर बीटा क्या पक्का ग्रेटर देन वन, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस बार न्यूमरेटर बड़ा। ठीक, अब ये वैल्यू अगर इसमें डालूं तो देखिए क्या आया है, वी टू एस डिवाइडेड बाय वी वन एस बराबर वन प्लस टी एस डिवाइडेड बाय वन प्लस दिस इज बीटा दिस इज टी एस, यानी अब ये आया अगेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि आपको क्या रखना है दिमाग में रखना है। ठीक है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, हाँ यानी इस तरीके से ये आपको दिमाग में रखना है। अब इससे अगेन वही हम इसके लिए भी पॉल जीरो डायग्राम हम बनाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जीरो कहाँ पर है, तो जीरो, तो जीरो के लिए यानी वन प्लस टी एस बराबर जीरो, यानी यहाँ से क्या मिला एस बराबर माइनस वन बाई टी, और पोल देखिएगा पोल कहां पर यानी वन प्लस बीटा टी एस बराबर जीरो, यानी एस बराबर क्या मिला आपका माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा टी। अब आप देखिएगा बीटा क्या, क्योंकि यही सेम जिसमें उस तरीके से ये प्रेजेंट थी चीजें, लेकिन इस बार क्या आया, ठीक है भाई ये तो सेम है लेकिन यहां पर डिवाइड में क्या आया बीटा, बीटा मैंने क्या बताया ग्रेटर देन वन बताया, तो इस बार जो पोल जीरो डायग्राम वो किस तरीके से बनेगा, इस बार जो पोल जीरो डायग्राम है इसमें आप देखिएगा कि पास में कौन आएगा, तो यहां पर देखिएगा ये पोल वाला, ये पोल वाला क्या आएगा यहां पर पास में आएगा, और ये यहां पर यानी ये क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा टी, और ये क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाय टी, दिस इज द पोल जीरो डायग्राम ऑफ दिस। तो कई बार पोल जीरो डायग्राम डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि लेग कंपनसेटर का पोल जीरो डायग्राम बनाए, तो आपको क्या रखना है दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से लीड कंपनसेटर और लेग कंपनसेटर दोनों के आपको ट्रांसफर फंक्शन भी दिमाग में रखने हैं और उनका पोल जीरो डायग्राम भी क्या रखना है दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, तो अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए अभी जो कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि दोनों का आपको ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज दिमाग में रखिए और पोल जीरो डायग्राम भी आपको क्या रखना दिमाग में रखना। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले जो भी है जैसे लीड लैग कंपनसेटर उसके बारे में, और थोड़ा इनके बारे में भी हम कुछ और बात करेंगे, कुछ कंक्लूजन टाइप जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्या होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।